नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई चैनल। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं गोपाल झा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरकारी मीटिंग में अपशब्दों का उपयोग, विधायक के खिलाफ जनता ने जताया आक्रोश, जन प्रतिनिधियों ने भी अफसरों को नसीहत, कहा राज बदल गया अब कार्यशैली भी बदल लो, वोटर बनने में बाधक बन रहा है फॉर्म, बीएलओ जताते रहे मजबूरी, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण कैंप का समापन, एएसपी जसाराम बोस ने की खुलकर तारीफ। सरकार जाते ही अफसरों के रंग बदल गए हैं और जनप्रतिनिधियों के भी। भाखड़ा रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग में एक बुजुर्गवार विधायक को यह भी ध्यान नहीं रहा कि पास में कोई महिला जनप्रतिनिधि भी बैठी है और उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। डूडी ने कहा कि विधायक मर्यादा में रहे, वहीं आम जन भी विधायक की आलोचना करने में पीछे नहीं है। सार्वजनिक जीवन में रहने वालों के लिए भाखड़ा रेगुलेशन कमेटी की विवादित मीटिंग एक सबक है, खासकर उन लोगों के लिए जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच अपना संतुलन खो देते हैं। मीटिंग में पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह की जुबान फिसली, लेकिन एकमात्र महिला जनप्रतिनिधि के अलावा किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिर में जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा को यूं व्यक्त किया। पिछले और उसमें जो तुलना हो रही है उस मामले में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आज विधायक आए जिस पोस्ट पे बैठे हैं, एक महिला जनप्रतिनिधि भी बैठी है, पर जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि विधानसभा या संसद में उनको उपयुक्त नहीं मानते, वही सदन में आज सभागार में बोल रहे हैं, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है और मैं चाहूंगी कि वो अपनी भाषा सुधारें और जो उनको पद मिला है उसकी गरिमा रखना उनका कर्तव्य बनता है। और जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी बैठते हैं लोग, उनको उनकी भाषा पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ आम जन भी विधायक की जुबान फिसलने को गंभीर मानते हैं। उनका कहना है कि बैठकों में जन प्रतिनिधियों को सीमा के भीतर ही रहना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप के बीच मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है, अनुचित शब्दों का इस्तेमाल तो हरगिज नहीं होना चाहिए। कि कल मीटिंग में एक विधायक द्वारा अनुचित शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह सरासर गलत है। सम्मुख इस तरह का गाली गलौज करना और अनुचित शैली का प्रयोग करना, गाली गलौज टाइप की बातें करी है जिसके अंदर जिला प्रमुख भी थी, महिला थी, महिलाओं के सामने ऐसी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, ये बहुत ही अशोभनीय है। और एक विधायक के पद पर रहते हुए सार्वजनिक जीवन में मंत्री पद जिस आदमी ने प्राप्त किया है, उसके इन वर्डों का प्रयोग जो इन्होंने किया है ये शोभा नहीं देता है और जनता ऐसे नेताओं को बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक महिला की उपस्थिति में ऐसे वर्ड का ये प्रयोग करते हैं और इतनी बड़े पद पर रहते हैं तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से तो अशोभनीय है। दूसरी तरफ भाजपा ने भी घटना को दुर्भाग्यजनक बताया है। पार्टी की जिला महामंत्री रेणु चौधरी ने कहा कि विश्वास नहीं होता कि गुरजंट सिंह जैसे सीनियर नेता ने कोई आपत्तिजनक बात कही हो, लेकिन जिला प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से पीड़ा जताई है तो फिर उसे अनुचित ही कहा जाएगा। रेणु चौधरी ने कहा कि बैठकों में न सिर्फ महिला जनप्रतिनिधियों का बल्कि नियमों का भी ध्यान रखना होता है। माननीय गुरजंट सिंह जी एक बहुत ही सीनियर और हमारे वेल मैनर्ड इंसान हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक विधायक के द्वारा ऐसा किया गया है ये तो गलत है, सरासर गलत है। चाहे महिला बैठी हो चाहे ना बैठी हो, ये एक मीटिंग का बैठकों का कोरम होता है, उस कोरम को बनाए रखना चाहिए। यह तो थी रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर विवाद की खबर। अब आपको बताते हैं रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग से संबंधित बात। दरअसल कमेटी में कांग्रेस से संबंधित एक भी विधायक नहीं है। भाजपा से संबंधित सदस्यों ने अफसरों को भी लगे हाथ धमकी दे दी। उन्होंने दो टूक कहा कि राज्य हमारा, निर्णय तुम्हारा, अब नहीं चलेगा। राज हमारा, निर्णय तुम्हारा, अब नहीं चलेगा। राज बदल गया है, अब काम करने का तरीका भी बदलो। यह संदेश था उन अधिकारियों के लिए जो कुर्सी से लगाव रखते हैं, हुक्मरानों की बात मानते हैं और आम जन की सुनवाई नहीं करते। भाजपा से संबंधित विधायक हों या फिर पंचायत समिति प्रधान,
या फिर साधारण कार्यकर्ता, अफसरों को झिड़की पिलाने में कोई पीछे नहीं। भाखरा रेगुलेशन कमेटी की बैठक में विधायक गुरजन सिंह बरार हों या फिर डॉक्टर राम प्रताप अथवा संगरिया पंचायत समिति के प्रधान हरदीप शाहपी ने सबने बारी बारी अधिकारियों को ही निशाने पर लिया। संदेश साफ था, राज हमारा है और हमारे हिसाब से ही काम करना होगा। अफसर भी सब कुछ समझ रहे थे। शाहपीनी ने कहा कि 5 साल पहले भी भाखरा नहर में 1600 क्यूसेक पानी चलता था, फिर आज संभव क्यों नहीं। ऐसी ने कहा कि हम आपको 5 साल का आंकड़ा दिखाते हैं, तो शाहपीनी ने तपाक से कहा कि 5 साल तक आंकड़े ही तो बनाते रहे आप लोग, या फिर और भी कुछ किया है। विधायकों ने कहा कि यह सच है कि हरियाणा हमारे हिस्से का पानी उपयोग में लेता है, पाकिस्तान भी पानी व्यर्थ जाता है, कांग्रेस सरकार ने उसे रोकने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने अफसरों को इन मसलों पर प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा। जो हमारे लोग अड़को नहर जाती है वो हमारे से बोर लेते हैं, वो अलग है। जब कांग्रेस की सरकार आई इन्होंने सीएम को मिला वो दे दिया, उस टाइम ये बंद करना चाहिए। आज पंजाब हरियाणा हमारे से पानी लेता है, लोहगढ़ वगैरह वो पानी लेता है, 200 क्यूसेक रोजाना हमारा पानी, इंदिरा गांधी कनाल का कह लो, फाफड़ा का कह लो, किसी का कह लो, हमारे राजस्थान का मानते हम तो, हमारा हक जा रहा है राजस्थान का, ये श्रीमानों को सबको पता है। एक ही 5 साल में सरकार ने कोई लेटर लिखा हुए तो ये बता दो कि सरकार कांग्रेस सरकार ने उधर पानी जाते रोका, या आपने लिखा हुए तो पानी के बारे में, या तो आप किसान का हित नहीं चाहते, या उन्होंने जो राज कर गए वो किसान का हित नहीं चाहते। ठीक है, धक्के खाते हैं किसान, एक बात तो जरूर है इसमें। भाई इतना समय अपने वाली भाषा से बोल रहा है, बठे कड़िया गए पानी लिखा था हरियाणा वाला, पानी तो थोड़े ही खराब होने वाले, क्यों केस जी कर लिए। भाई पानी लगा तो आ रहा है अपना जो कुदरती जिन्हें लेवल ने नीचो कर दी गेट ने, बोलो और निर्णय करो, बैठे खड़ी गाल काटे उसी की कलेक्टर साहब बताओ आप, वो भाई एक मिनट सुनते थे एक मिनट भाई, बैठे खड़ी गाल काट दी गाल काटो मैंने वापस लेवल करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अपने यार लॉज होगी तो टब वाली खाने में होगी। सही, ये तो है एक्चुअल गाड़ी। आज आप लोग एक लेटर लिखिए हमारे सब की तरफ से टू दी गवर्नमेंट कि हमारा पानी इस तरीके से यूज होता है, राज्य सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो पहले आपने कभी नहीं किया। इसको नोट डाउन करो, ठीक है, उसकी कॉपी दो। मीटिंग में नहरों की जर्जर अवस्था पर भी सवाल उठे। एससी ने फंड नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि होना यह चाहिए कि हम पंजाब से आग्रह करें कि जो पैसा हम प्रति साल उन्हें देते हैं उसमें से कुछ राशि मरम्मत पर भी खर्च करे। सारा जो फंड है वो भाखरा मेन के नाम पे दिया जाता है, उनका वो सर्किल अलग है और पंजाब गवर्नमेंट उस पैसे को भाखरा मेन पे ही काम लेके सरिन ट्विटर पर कोई पैसा नहीं देती, ये वहाँ की फैक्ट है। तो मैंने इसमें निवेदन किया कि इनको पंजाब गवर्नमेंट को भी अनुरोध करें राजस्थान की तरफ से जो पैसा जाता है उसका कुछ शेयर सरिन ट्विटर के रिपेयर के लिए भी दी जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ये कोई 4-5 महीने पहले की बात है। ये मंत्री महोदय को आप को या विधायकों को आप आने पूरी रिपोर्ट बनाई है, उसकी फोटोग्राफ से मैंने दे रहा है, कन्वे करोगे हमने ऐसा किया। विधायक गुरजन सिंह ने अधिकारियों को घेरते हुए पूछा कि आखिर वे लोग कभी नहरों में आवश्यकता के मुताबिक पानी उपलब्ध करवाने के लिए कोशिश करते हैं, क्या कभी डिमांड तैयार कर सरकार को भेजा। इस पर SCPS भाकर ने कहा कि यह काम चीफ इंजीनियर करते हैं और हमें उसके बारे में पता नहीं।
इस पर गुरजन सिंह ने कहा कि आपने कभी उच्चाधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर दिया है क्या? इस पर ऐसी चुप हो गए, लेकिन डॉक्टर राम प्रताप ने धीरे से कहा कि छोड़ो ना भाई साहब, इन्हें क्यों छेड़ते हो, बड़े को देख लेंगे। अधीक्षण अभियंताओं का रोल बीबीएमबी में बिल्कुल भी नेग्लेक्ट किया गया है यहाँ पे, और चीफ इंजीनियर ही पूरे राजस्थान को डिमांड करने के हिसाब से रिप्रेजेंट आज तक करते आ रहे हैं। तो अभी जो चीफ इंजीनियर है उन्होंने इस पक्ष को रखा है नहीं है, इस चीज से हमको कोई जानकारी दी नहीं जाती है। हमारे पास तो हर महीने की जो मिनट्स आती है कि आपको इतना पानी एलोकेट हुआ है वही हमारे पास आता है, क्या डिमांड रखी जाती है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है आज तक, मेरे कम से कम नहीं है। आप बाखड़ा के एससी हो, हाँ जी, हमारी नुमाइंदगी करते हो यहाँ, हाँ, हमारे अफसर, आपका जब पानी पाकिस्तान को जाता है पानी उपलब्ध होता है अपनी तरफ से ही, कभी आप चीफ इंजीनियर को डिमांड करिए कि हमारे को पानी इसमें 1800 दे दे, हमारी कैपेसिटी 1800 की है, हमारा हेड 1800 का बना, हमारी कनाल 1800 में बनिया, हमारे मैनर 1800 में उसमें उपलब्ध, आपने करिए कभी आपके, आज तो चलो आप तो थोड़ा टाइम हो, दूसरे मंगा लो, रिकॉर्ड तो आपके पास है, ये बता दो हमारे को। दूसरा, बरसात के सीजन में जो है पंजाब पानी देने के लिए तैयार रहता है, उस टाइम पाकिस्तान पानी जाता है, हमारे कोई माहौल बना दिया 21-9 से पहले जो है उस पानी की कोई कटौती नहीं होती, उन्हें जो झंडा है ना जेती फिर आती नहीं आ रहे वो झंडा नहीं आप। एक बात है कि मैं मेरी कह रहा हूँ ईमानदारी से, आप रेगुलेशन करने की सलाह नहीं है, हम आपके यही नहीं कर सकते, हाईकोर्ट की रूलिंग है आपके पास, हाईकोर्ट की कोर्ट पूरे हाईकोर्ट। कुल मिलाकर भाखड़ा रेगुलेशन कमेटी की गत मीटिंग कई अर्थों में खास रही, एक तो यह कि विवादित हो गई और दूसरी तरफ नव निर्वाचित विधायकों ने अफसरों पर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने अफसरों को संदेश दे दिया कि अब राज बदल गया है इसलिए तरीका भी बदल लो। विधायकों की इस धमकी का कितना असर होता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना सच है कि इससे एक बार की सत्ता बदलने का एहसास होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। निर्वाचन आयोग एक तरफ तो अधिकाधिक पात्र लोगों को वोटर बनने के लिए प्रेरित करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ आवेदकों को निर्धारित फॉर्म तक उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे, लिहाजा काफी संख्या में आवेदकों के लिए वोटर बनने का सपना शायद अधूरा रह जाए। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हो रहे हैं बड़े बड़े विज्ञापन, संदेश एकमात्र कि कोई भी पात्र आवेदक वोटर बनने से चूक न जाए, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी नहीं है। बूथ स्तर पर तो निर्धारित फॉर्म ही उपलब्ध नहीं है, वहीं आवेदकों की लंबी कतार जरूर लगी रही। अंतिम दिन होने के कारण रविवार को भी सभी बूथों पर खूब गहमा गहमी रही। राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या एक में भी खूब लोग जुटे, लेकिन परेशानी वही फॉर्म को लेकर। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी यही स्थिति देखी गई, हर कोई फॉर्म को लेकर परेशान नजर आया। राकेश सिंगला नामक व्यक्ति की परेशानी यही थी कि फॉर्म उपलब्ध नहीं हुए, आखिर क्या करे। ये अपना परिचय पत्र बनवाने आया हूँ, और पहले तो मैं आया फॉर्म मांगने के लिए, वो कहते हैं ये फॉर्म नहीं है। मैंने पूछा जी क्या फॉर्मेलिटी चाहिए, वो भी इनको पता नहीं है। सर पीसीओ से जाके ये फोटो को फॉर्म लेके आया हूँ, फोटो स्टेट से, वहाँ पे मैंने अपनी फोटो को फॉर्मेलिटी लेके आया हूँ सारी, और अब इनके पास ना तो वोटर लिस्ट है, पड़ोस का नाम जानने के लिए भी कौन सा पड़ोसी है ना कुछ बताते हैं, फॉर्म नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं फॉर्म है ही नहीं, फोटो कॉपी लेके वहाँ से दुकान से लेके आओ, तो वहाँ से 10 रुपए देके फॉर्म लेके आए। कितने लोग हैं? 10 रुपए कर रहे हैं आपका? कोई सहयोग नहीं है। बीएलओ सुंदर सिंह सोनी ने कहा कि उन्हें मुश्किल से 10 से 15 फॉर्म दिए गए, लेने वाले हैं 100 से अधिक, हम कहां से लाकर दें फॉर्म। बीएलओ की बेबसी अपनी जगह सही थी। समस्या ये जी एक फार्म है ना, वहां से कलेक्टर ऑफिस से कम उपलब्ध हुए हैं, तो उसकी वजह से ना फार्म एक आदमी कोई 5 मांगता है, कोई 4 मांगता है, उसको हम एक एक दे रहे हैं, हमें 10-15 फार्म से ज्यादा मिले नहीं। 6 नंबर फार्म है ना, जो 10 या 15 से ज्यादा नहीं मिले हमने। इधर से कल मैं कलेक्टर ऑफिस भी गया था, वहाँ भी लेने की कोशिश की मैं 6 नंबर फार्म उपलब्ध कराए जाएँ, लेकिन उन्होंने कहा भी फोटो कॉपी करा लो, मैं हम कहाँ से कराएँ, पब्लिक कहाँ से कराएगी, तो इसलिए आप फार्म उपलब्ध कराओ। आज सुबह मैंने मिड्डा जी को भी फोन किया, वो मिड्डा जी लोग 5 फार्म क्यों मांग रहे हैं? वो कह हमें 5 फार्म भरने हैं, निःशुल्क सेवा है ये, हमें 5 वोट बनाने हैं, तो इसलिए हमें 5 चाहिए, 5 चाहिए। तो मैं कभी हमें इतने उपलब्ध नहीं हो रहे, हो रहे हैं जिन एक एक आदमी को अब 15 फार्म टोटल हमें मिले हैं, 6 नंबर, तो इतनी पब्लिक है यहाँ पर, तो इतने फार्म अब कहाँ से उपलब्ध, हम कहाँ से कराएं।
हनुमानगढ़ टाउन में भाग संख्या 128 पर भी स्थिति कुछ ऐसी ही देखने को मिली। लोग फॉर्म के लिए इधर से उधर भटकते नजर आए। पूर्व पार्षद महबूब अली ने कहा कि पहले भी बीएलओ के पास फॉर्म की कमी थी, इसलिए परेशानी आई। इस बार भी स्थिति वैसी ही है। जेब से खर्च कर लोगों को मोबिलाइज करते हैं। उन्होंने किराएदारों को वोटर बनाने में आ रही परेशानियों का भी जिक्र किया। प्रॉब्लम यह है कि पीछे जब से बीएलओ अब ये स्टार्ट है वोट मरने, तो स्टार्टिंग से इनको 10 फार्म दिए गए हैं। पिछले संडे को भी यही प्रॉब्लम थी। हमारे वार्ड के अंदर कुछ किराएदार जो रहते हैं, तो उनको मैंने मेरी जेब से एक को 7 फार्म, एक को 8 फार्म उपलब्ध करवाए हैं। बाजार से 10-12 रुपये का एक फार्म उपलब्ध होता है। और बीएलओ जी हमारे हैं, इनकी ये समस्या है कि हमें 10 फार्म दिए गए हैं ओनली फॉर, और स्पेशल कोई इनको कोई गाइडलाइन नहीं है। अभी जो अनपढ़ है, जो परिवार मजदूरी जो है उनका, उनका क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो हम अपनी तरफ से भी वो स्टाम्प लगा के इसको आप उम्र का एफिडेट ये दे रहे हैं यहाँ, तो ये कुछ समस्या आ रही है। एक सबसे मेन समस्या, मोटी समस्या ये है इसके अंदर भी, जो किराएदार जो रहते हैं यहाँ, किराएदार जो एक गली से छोड़ के दूसरी गली में चले जाते हैं, उनके हिसाब से तो वो हम यहीं रह रहे हैं, और पीछे से जो बीएलओ का उसका एरिया खत्म हो जाता है, वो उनके वोट काट देता है। उसके बाद वो समझते 5 साल बाद में आते हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्या भी, पीछे के वोट लाओ और वो कटी हुई की वो विलोपन सूची लाओ, और वो उनके लिए वो बड़ी समस्या है। तो आपसे ये निवेदन है प्रशासक से हमारा ये कि भी आप जो पीछे अपने जो नए वोट मनाते हैं, विलोपन सूची देते हैं पीछे एंड के अंदर, नए वोट जो जोड़े जाते हैं उनकी देते हैं, उसी प्रकार इस भाग संख्या में एक पीछे एक किराएदार की सूची एक भाग संख्या में दी जाए, जिस वार्ड के अंदर इतने किराएदार रहते हैं, तो ये यहाँ से इस गली में उस गली में कहीं भी जा सकते हैं, इनके वोट काटे ना जाए। अगर काटे जाए तो उनको पर्सनली पूछा जाए आपके वोट काट दिए गए। उनको वो गरीब मजदूर दिहाड़ी करने वाले होते हैं, उनको पता नहीं होता। मैं सुबह से 9 बजे से यहाँ बैठा हूँ डॉक्यूमेंट्स लेके पीएलओ के पास, कभी मेरे को फार्म दो, फार्म नंबर 6 दो, तो वो उनका कहना है कि मेरे पास फार्म नंबर 6 नहीं है, आप बाजार से फोटोस्टेट कॉपी करा के लाओ। 10 फोटोस्टेट के पास जाते हैं ना, वो 10-20 रुपये वो मांगे पैसे मांगता है। इस बाबत में मैंने एसडीएम साहब से भी कहा कि साहब यहाँ फार्म नहीं है, हम सुबह से खराब हो रहे हैं 9 बजे से। तो एसडीएम साहब ने हमें कहा कि मैं 20 मिनट में फार्म अभी भेज देता हूँ। अभी 1 घंटा तो हो गया, अभी तक तो फार्म आए नहीं, पता नहीं भगवान जाने कब आएंगे वो फार्म। मैंने पीछे 1 साल पहले यहाँ पे बीएलओ को वोट बनाने के लिए दिया, लड़के की मिसेज का ना पहचान पत्र बना ना वोट बना। अब यहाँ पे आए हैं तो कोई इनके पास में फार्म नहीं है। मैं 1 साल से चक्कर काट रहा हूँ यहाँ पे। अब हम दाढ़ी करने वाले आदमी कब तक चक्कर काटेंगे। जब बात बीएलओ पवन कुमार भादू पर आई तो उन्होंने भी वही बात दोहराई। कारण यह बताया कि फॉर्म है ही नहीं। नगर परिषद ने फॉर्म देने में कंजूसी जो बरती थी। नगर परिषद से 10 फार्म मिले थे, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, 1-1, 2-2 फार्म ही मिले थे। तो हमने वो 10 फार्म में से 9 फार्म वितरित कर दिए। 1 फार्म फोटोकॉपी के लिए रख लिया, भी कोई कैंडिडेट आए तो उस फार्म के फोटोकॉपी करवा ले। फिर सभी फोटोकॉपी वाले पास फार्म उपलब्ध है, तो हमारे पास फार्म फिलहाल उपलब्ध नहीं है, तो हम उनको बोल रहे हैं आप फोटोकॉपी लेके आओ फार्म की। अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर आई स्कोर 80% मार्क्स, एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज। द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD TV उपलब्ध हैं।
डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सैमसंग, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ जंक्शन में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं अनुसंधान केंद्र पर 4 दिवसीय कैंप लगाया गया। इसका समापन रविवार को हुआ। मुख्य अतिथि थे एएसपी जसाराम बोस। उन्होंने केंद्र के संचालन पर संतोष जताया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित दीप कॉलोनी में ग्लोबल मारवाड़ी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से संचालित कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं अनुसंधान केंद्र पर 4 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि थे एएसपी जसाराम बोस। एसपी ने कहा कि सेवा के कई स्वरूप हैं, कोई किसी से कम नहीं। निःशक्त जनों को कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाना बड़ी बात है। ग्रेफ के अधिकारी हरदीप सिंह ने कहा ग्रेफ के साथ फाउंडेशन द्वारा कई कैंप लगाए जा चुके हैं। इस कार्य से जुड़कर ग्रेफ कर्मियों को भी रूहानी खुशी मिलती है। मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन झोथरा ने अतिथियों को केंद्र की गतिविधियों की जानकारी दी। जब मेरी जो इंक्वायरीज आती हैं इकट्ठी कर लेते हैं, फिर एक दिन बुला लेते हैं। ये जो मटेरियल है ये, हाँ ये सब बताता हूँ आपको। ये मेटल क्या है? ये सब मेटल HDPE है, हाई डेंसिटी है, एक लिम्स की। तो वो अभी हमें, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा समय लगेगा। जब ऐसे उसके स्पॉन्सर मिल गए उस लिम्स के, तो यहाँ भी ले आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मगर उस पर बड़ा इशू है, वो बिग इशू है। ये तो हो गया, इनको बाहर ओवन अपना गैस बढ़िया उसमें हीट दे के और वो इस पे लगा के ये बड़ा सक्सेस रहा हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान में अब तो जयपुर का ही सुन रहे थे, जयपुर का है, जयपुर के बाद अपने 7-8 स्टेट के बाद यही है सर। कैंप के समापन पर स्थानीय शाखा के उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता, श्याम रामावत व प्रमोद खारीवाल सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। दिनेश गुप्ता ने कैंप के बारे में विस्तार से बताया। स्थानीय शाखा द्वारा कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण का एक शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 15 रोगी लाभान्वित हुए। आपको बता दें कि इस एरिया की पहली वर्कशॉप, कृत्रिम अंग की वर्कशॉप यहाँ पे काफ़ी समय से अपना कार्य कर रही है और समय समय पर अपने ये शिविर लगा के और जो इस चीज़ के जिनको ज़रूरत है कृत्रिम अंग की, बिना निःशुल्क, बिना कोई पैसे के ये कृत्रिम अंग यहाँ प्रत्यारोपित किए जाते हैं। ये सभी कार्य दीप कॉलोनी जो कि हमारा स्थानीय वर्कशॉप है वहाँ पे किए जा रहे हैं। आज 15 रोगी हमारे चिन्हित किए गए थे, उनको कृत्रिम अंग दान दिए गए। कैंप में आए अरुण बत्रा को जब कृत्रिम अंग प्रत्यारोपित किया गया तो उनके चेहरे पर खुशी के भाव देखे जा सकते थे। बत्रा 6 माह पूर्व एक हादसे में अपना एक पैर गंवा बैठे। जब उन्हें इस कैंप की जानकारी मिली तो वे आए और चिकित्सीय जाँच में उन्हें एक अंग प्रत्यारोपण के लिए फिट पाया गया। मैं दुकान पे काम कर रहा था तो गाड़ी अचानक स्टार्ट हुई और मेरा पैर गाड़ी के अंदर फंस गया। इसकी वजह से मैंने पैर गवाना पड़ा मेरे को। आज 6 महीने हो गए मेरे को। आज मारवाड़ी युवा मंच पे आया हूँ, मेरा पैर उन्होंने लगाया है, मतलब बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे को। कहाँ रहते हो? ये संस्था क्या है, कैसा काम कर रही है, कैसा लग रहा है? संस्था बहुत बढ़िया काम कर रही है, लोगों को पैर दे रही है, कोई और बढ़िया काम कर रही है। मतलब खुश तो खुशी तो होती है, किसी को पैर मिल जाए और मिल जाए, खुशी तो होती है।
प्रदेश में खाता खोलने में विफल रही माकपा अब आत्मंथन में जुटी है। सीटू कार्यालय में हुई बैठक में नेताओं ने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई और कहा कि उन्होंने सफलता पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जनता ने तो जैसे कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने का निर्णय ही ले लिया था, इसलिए माकपा की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। जनहित के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करने के बावजूद जनता द्वारा अपेक्षित जनसमर्थन नहीं मिलने से माकपा कार्यकर्ताओं को काफी निराशा हुई है। लगातार 5 साल तक जनता की मांगों को लेकर आंदोलन करने के बावजूद पार्टी का ग्राफ इन विधानसभा चुनाव में काफी गिर गया। चुनावों में मिली पराजय से कार्यकर्ताओं को उबारने के लिए माकपा के वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक की। जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में तहसील कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में पार्टी नेताओं ने चुनावों में मिली पराजय की समीक्षा कर संगठन को मजबूत बनाने की बात कही। माकपा के जिला सचिव रामेश्वर वर्मा ने कहा कि चुनावी नतीजों से कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें और मजबूती से संघर्ष करना होगा। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के तहसील हनुमानगढ़ के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है, जिसमें चुनाव की समीक्षा की है और साथ में ही आगे आगामी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की है। मुख्य बात यही था कि इस वर्तमान चुनाव के अंदर कांग्रेस के भ्रष्टाचार और महंगाई और उनके चरित्र नेताओं के उनके नैतिक पतन के खिलाफ जनता का जो गुस्सा था और उसी गुस्से के कारण भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिला है, इसलिए तीसरे विकल्प के रूप में तमाम साथियों ने अपनी बात रखी और ये कहा है कि इस क्षेत्र के अंदर पुनः मजबूती के साथ आम आदमी के, किसान के, मजदूर के, नौजवान और विद्यार्थी के संघर्षों को तेज करेंगे। टाउन स्थित राजकीय NMPG कॉलेज में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का समापन हुआ। 7 दिवसीय इस आयोजन में स्वयं सेवकों को सामाजिक कार्यों की जानकारी देने के साथ ही सेवा भावना के लिए भी प्रेरित किया गया। और अभी राजकीय NMPG कॉलेज में चल रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का समापन हुआ। समापन अवसर पर शिविर में भाग लेने वाले स्वयं सेवकों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। सभी प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साह से अपनी कला का प्रदर्शन किया। शिविर प्रभारी के मुताबिक शिविर का मकसद विद्यार्थियों में सिर्फ राष्ट्र सेवा को ही विकसित करना नहीं है, बल्कि कर्तव्यों के साथ साथ उनके व्यक्तित्व को भी निखारना है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आज विशेष कैंप का अंतिम दिवस है। इन प्रतियोगिताओं के दौरान हमने हास्य प्रतियोगिता, डांसिंग प्रतियोगिता, सिंगिंग प्रतियोगिता और मिमिक्री प्रतियोगिताएं, इनको ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया है ताकि बच्चों में छिपी हुई प्रतिभाएं वो बाहर आ सके। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान इन्होंने बहुत सारी राष्ट्रीय सेवा जैसे तत्वों को या राष्ट्रीय सेवा जैसे कार्यक्रमों को सीखा और उन्हें भलीभांति संपन्न भी किया। इस दौरान बच्चों ने मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सदर थाने में और वहाँ तक जहाँ सामान्य आदमी पहुँच भी नहीं पाता, कब्रिस्तान, वहाँ तक वृक्षारोपण का कार्य संपन्न किया। वक्त है हेडलाइंस का। कंपनी द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कंपनी के अधिकारियों ने कामधेनु स्टील में के नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया। उत्तम क्वालिटी का सरिया बनाने के लिए मशहूर कामधेनु स्टील कंपनी ने आज बाजार में नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया। जंक्शन स्थित सम्राट होटल में आयोजित एक सेमिनार में कंपनी के अधिकारियों ने कामधेनु SS 10,000 स्टील की जानकारी दी।
सेमिनार में भवन निर्माण से जुड़े कामगारों की उपस्थिति में कंपनी के सेल्स मैनेजर ने कामधेनु SS-10000 स्टील की विशेषताएं बताई। जो हमारा कार्यक्रम है ये कामधेनु जो सरिया के बारे में जानकारी दी है, जिसके अंदर कामधेनु ब्रांड का जो SS-10000 सरिया लॉन्च हुआ है उसके बारे में जागरूक करने के लिए आज मेंशन मीट मिस्त्रियों का प्रोग्राम किया गया है, ताकि इसके बारे में सरिया के फीचर्स हैं, जो गुण हैं, या जो सरिया की इसमें एक्स्ट्रा क्वालिटी है डबल रिब की, उसके बारे में एक मिस्त्रियों को जानकारी देने का प्रयास किया गया है, ताकि वो मकान की क्वालिटी को ज़्यादा बेहतर से बेहतर प्रोग्रामिंग कर सकें और उसकी ताकत को बढ़ा सकें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।